हैदर जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों को? अभी जिहाद सेंसर हो गई, एट लास्ट एक साल के स्ट्रगल के बाद सेंसर की लड़ाई जीत गया और यूए के साथ सेंसर हुई है जिहाद। इस बात की थोड़ी खुशी है, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम लग गया फिल्म को रिलीज होने में, कब तक रिलीज करिए जरा बताएंगे? देखिए, एक साल तो सेंसर के आगे पीछे में निकल गया, तो वो लेट हो गया था। मेरे ख्याल से दिसंबर में पिक्चर रिलीज हो जाएगी। फिल्म का बहुत गर्म है, काफ़ी नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं फिल्म को। लगभग कितने अवार्ड है बताएंगे जरा? आई थिंक अराउंड 40-45 अवार्ड्स पिक्चर ने जीत लिया है वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल नेशनल लगा के, और भी जीतना बाकी है इंशाल्लाह। जिहाद टाइटल है फिल्म का, काफ़ी लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या स्टोरी है, एक लाइन बताएंगे? जिहाद का मतलब है अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के नफरत को ख़त्म करना, अपने अंदर के शैतान को मारना। तो इस मुद्दे पे फिल्म है, और जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि बेकसूर लोगों को मार देना, तो इस मतलब को समझाया गया है जिहाद में हमारे। तो ये है पिक्चर का। काफ़ी लोग जिहाद को लेकर गलत धारणाएं ले जो पाले हुए हैं, क्या इस सिनेमा में उनको कुछ समझ आएगी? इससे जिहाद का असली मतलब समझ में आएगा। जो टेररिज्म चल रहा है, जो जिहाद के नाम पे एक दूसरे का खून खराबा हो रहा है, वो सब इशूज़ जो, ये इंटरनेशनल टॉपिक है जिहाद, कोई ऐसा नहीं कि कश्मीर का ही सिर्फ इशू है। तो उससे कुछ लोगों को समझ में आएगा, पिक्चर के माध्यम से हम उनको एजुकेट करेंगे कि जिहाद का असली मतलब क्या है, और अमन चैन का पैगाम दे रहे हैं हम इस फिल्म से। आपने फिल्म की शूटिंग भी कश्मीर में किया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ जिहाद को लेके वहाँ पर परमिशन नहीं होगा? नहीं, वो दिक्कत तो काफ़ी आई थी हमारी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने झेली है पिक्चर के लिए, क्योंकि हमने कुपवाड़ा में शूट किया, दूध गंगा चरारे शरीफ और यूजमर्ग में शूट किया है, तो दिक्कत बहुत आई थी। मगर ज़िंदगी में असली जिहाद तो करता ही रहता हूँ, आदत हो गई है, मुश्किलों से लड़ना हमारा समझिए शौक है। फिल्म में हमेशा कुछ आप अलग लेके आते हैं एक्ट्रेस, खास करके उसको कौन एक्ट्रेस है बताएंगे? जिहाद में सब नए आर्टिस्ट हैं हमारे, और हमने सारे कश्मीर के लोकल आर्टिस्टों को काम की दिया है, और एक्ट्रेस जो हैं वो अल्फिया हैं, इस तरह सब नए आर्टिस्ट को हमने काम दिया है। कितना मज़ा आ रहा है अब फिल्म रिलीज पर है, फिल्म रिलीज़ पे है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अप्रिशिएट होगी, क्योंकि अभी ये रिलीज़ पे, इससे पहले हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू हो गया है, जो कि अभी उसका टाइटल भी रजिस्टर्ड हो गया, द्रौपदी। नेक्स्ट पिक्चर मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, साथ में शिवराम यादव भी हमारे डायरेक्शन में, तो हम दोनों मिल के डायरेक्ट करें द्रौपदी। एक्चुअली मैं अभी कुछ फ़ोटोशूट तो चल रहा था, मगर कुछ इंटरव्यूज़ थे उसके लिए, मेरा पर्सनल शूट था, और द्रौपदी के लीड एक्ट्रेस की सर्चिंग चल रही है, जिसकी वजह से मैं कुछ नए आर्टिस्टों को ब्रेक दे रहा हूँ, तो उसके फ़ोटोशूट चल रहा है। फिल्म का जो डायरेक्टर है आपके, इस फिल्म को कुछ कहेंगे, कैसा उन्होंने काम किया आपके साथ? राकेश परमार जी की तारीफ जितना की जाए कम है, वो एक एजुकेटेड और काफ़ी सिंसियर ठहराव वाले डायरेक्टर हैं, और मेरा उनका एसोसिएशन आज नहीं, बॉबी के टाइम से, जब मैंने पहली फिल्म बॉबी बनाई थी तो उसमें भी वो थे, और राकेश परमार एक बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, एजुकेटेड डायरेक्टर हैं, तो मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। नहीं, मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ, मेरा अपनी दुनिया है, अपनी आइडेंटिटी है, मैं आराम से काम करता हूँ, थोड़ा लेट फिल्म बनाता हूँ, अच्छी फिल्म लेके आता हूँ, मुझे कंपटीशन में नहीं, दौड़ में तो चूहे दौड़ में मैं नहीं हूँ। तो आपको शाहरुख सलमान से कोई नहीं? नहीं नहीं नहीं, उनका अपना ग्राफ है, मेरा अगर मैं इंटरनेशनल सिनेमा में हूँ, और मेरी फिल्में जो भी होती हैं वो इंटरनेशनल सिनेमा पहले होता है, तो मेरे ख्याल से मुझे किसी से कोई कॉम्पटिशन मेरा नहीं है। ये दिसंबर 1st वीक में हम इंशाल्लाह रिलीज करने वाले हैं जिहाद को, उसकी तैयारी चल रही है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा संघर्ष का, सारे ऑडियंस को पसंद है चीज़ें, और
चमत्कार की बात यह है कि 20 साल के नवयुवक भी संघर्ष को देख के भावुक हुए, उनके इमोशंस के लेवल पर उन्होंने चीज़ों को पसंद किया। एक पारिवारिक मुद्दा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोगों का एक साफ सुथरी फिल्म के प्रति एक अच्छा रिस्पांस, बहुत ही अच्छा लगा। सुपर हिट सिनेमा देने के बाद बिल्कुल अच्छा लगता है, सुपर हिट जैसा ही कुछ लगता है। पार्टी तो बनती है ना? बिल्कुल पार्टी बनती है पार्टी देंगे भी। खेसारी लाल यादव से बहुत बड़ी सुपरस्टार है, कैसे उनको हैंडल कर रहे, शूटिंग कर रहे, उन्हें जरा कुछ बताएंगे कैसा चला? खेसारी लाल यादव जी के बारे में क्या कहूँ, वो बेसिकली इंडस्ट्री में कोरे पन्ने की तरह है कि वो बिल्कुल एक डायरेक्टर के एक्टर हैं, जो डायरेक्टर छाप दे उस पन्ने पर उस वक्त पर वही चीज़ नज़र आती है। तो एक डायरेक्टर के एक्टर है और अच्छा लगा उनके साथ काम। फिल्म की तैयारी स्क्रिप्टिंग से लेके स्टोरी बोर्ड से लेके कम से कम 1.5 साल का संघर्ष रहा, संघर्ष को शूटिंग करने से पहले। इसके नाम रखा संघर्ष? जी नहीं, फिल्म का नाम ही संघर्ष था, थोड़े टाइटल का प्रभाव हम लोगों पर पड़ा और थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हुआ, लेकिन आखिर में जब रिजल्ट अच्छा मिला तो सारी चीज़ें जायज़ है। दर्शक फिल्म तो देख चुके हैं संघर्ष जी, शूटिंग के दरमियान कुछ ऐसी कहानी बताइए जो हम लोग किसी को पता नहीं। वैसी कहानियाँ तो बहुत है, लेकिन ऐसे कोई खास मुद्दा तो नहीं बता सकता, बट कहानियाँ तो ऐसी बहुत है, छोटी मोटी चीज़ें, चुटकुले, और एक पारिवारिक माहौल में हम लोगों ने उस चीज़ को शूट किया। फिल्म को शूट किया हम लोग ने झारखंड रांची में, और कुछ पोर्शन हम लोग ने एक दो हीरो का घर और कुछ गाने हम लोग ने बॉम्बे में शूट किए। जी मान लीजिए कि खेसारी जी की और काजल जी की जोड़ी हमेशा लोगों ने, दर्शकों ने पसंद की है, और वो हमारे इंडस्ट्री के लोगों को भी पसंद आती है क्योंकि उन लोग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मेरा पहला अनुभव था काजल राघवानी के साथ काम करके, और बहुत ही सुखद अनुभव था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो, बहुत ही चीज़ों को समझती हैं। बिल्कुल सेट पर टैंट्रम्स या चीज़ें जैसी होती है एक स्टार के बीच में कभी कभी, वो उनमें बिल्कुल नहीं है, और अच्छा लगा मुझे काजल के साथ भी काम कर। संघर्ष के पहले मेरी फिल्में काफ़ी रिलीज़ हुई थी, अभी जस्ट रिलीज़ हुई थी कसम पैदा करने वाले की, उसके पहले रंगदारी टैक्स, और बहुत सारी फिल्में थी, बहुरानी, अभी लगभग संघर्ष मेरी 11वीं फिल्म है इंडस्ट्री में। और इसके बाद क्या नया लेकर है? अभी जा रही है मेरी सैया अरब गए लेना, ये नवंबर से हम लोग शूट कर रहे हैं, और इसके हीरो खेसारी लाल जी हैं। नए फिल्म के बारे में क्या बताऊं, अभी जब टाइटल हैं सैया अरब गए लेना, तो सैया को अरब जाते हुए देखिए, और बिल्कुल यकीनन आपको जैसे संघर्ष में आप लोगों ने मुझको प्यार दिया, जो मुझ पर भरोसा जताया, वही भरोसा और वही चीज़ें एक अलग रूप से मैं सैया अरब गए लेना के थ्रू लाने की कोशिश करूँगा, और एक अच्छा एक और बार पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। यूं ही प्यार बनाए रखे, और अच्छी फिल्मों को हमेशा प्रतिसाद दे, प्यार दे, और बुरी फिल्मों को बिल्कुल नकार दे, क्योंकि आप ही हैं जो अच्छी फिल्मों को आगे बढ़ाकर अच्छी फिल्में बनाने के लिए हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को प्रेरित करेंगे। थैंक यू। स्वागत है, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, और सबसे पहले आप मीडिया भाई और अपने दर्शक भाई भोजप्रिया समाज को प्रणाम नमस्कार। मैं जसवंत कुमार, भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर, और ये हमारी पत्नी संगीता जी हैं, और वांटेड से इतनी खुशी है कि 2018 की बहुत ही सुपर हिट फिल्म हमारी साबित हुई, और इसका गाना एक जो पलंगिया सोने ना दिया, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जो भोजपुरी में अब तक का सबसे बड़ा सुपर हिट है। ओनली 75 डे में 5 CR क्रॉस कर चुका भी जो है, तो खुशी की बात तो है ही है। और आप हमेशा देखा जाए तो मोहन सिंह को लेकर सिनेमा बनाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं जी? कोई खास बात रहता है तो ज़रूर एक होता है, फिल्म तो सबके साथ कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक पवन जी से ज़्यादा लगाव है, एक फैमिलियर लगाव है हमारा, एक भाईचारे में है, तो
अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छी फिल्म बनाने के लिए हमको मतलब अच्छा सपोर्ट करते हैं, बस यही रीज़न है। और वैसे भी पवन हमारे भाई जैसे हैं तो हम लोग थोड़ा सा पवन जी का रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, यही रीज़न है और कुछ खास नहीं। बस ज़रूर लेके आ रहे हैं, अभी सरकार राज वांटेड के बाद, उसके पहले भी आपको मालूम है कि मैंने रंग दे प्यार के रंग में, को प्रोड्यूसर में, वढ़निया कमाल करे को प्रोड्यूसर में, आजा वढ़निया तान के, ये सारी फिल्में कर चुका था। होत बजवानी जियानी राजा, ये भी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद आई सरकार राज 2017 में, 2018 में वांटेड, और 2019 में लगते ही आपको एक बहुत बड़ा धमाका, वो भी पावर सुपरस्टार पवन जी को लेके ही कर रहा हूँ। उसका टाइटल, उसका डायरेक्टर बहुत जल्दी मैं बताऊँगा, क्योंकि फिल्म पे मेरा वर्क चल रहा है, अभी स्टोरी पे काम चल रहा है, बहुत जल्द किया जाएगा, आप सबको बताया जाएगा कि कौन सी फिल्म है, कौन डायरेक्टर है। नाम कुछ नहीं कहना है। शुक्रिया अदा कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी, ये सारा अभिनंदन। और यही अपील है अपने दर्शक भाइयों से, निवेदन है कि फिर मैं लेके बहुत जल्द एक सिनेमा आ रहा हूँ जो कि पावर सुपरस्टार पवन जी के साथ में है। एक दो फिल्में और चल रही है जो और स्टार कास्ट होंगे, उसमें बताऊंगा बहुत जल्द उसको भी। लेकिन अपने दर्शक भाइयों से यही अपील और निवेदन है कि इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, जैसे वांटेड सरकार राज सब पे बनाए, आने वाली फिल्मों पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। Thank you.
छोड़ दो